नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मारवाड़ी लजीज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं पीनट चॉकलेट बॉल्स। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन को गर्म होने देंगे। उसमें हम लेंगे एक कप जितनी पीनट्स और इन्हें हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो हमारे पीनट्स रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम पैन को फिर से गर्म होने देंगे और उसमें हम लेंगे 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू और इन्हें हम 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने के बाद इन्हें भी हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। पीनट्स ठंडे हो चुके हैं, तो इनपे से हम छिलका हटा देंगे। छिलका हटाने के बाद इन्हें हम अच्छे से दरदरा पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बिस्किट का पैकेट, आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। इसमें से हम 10 से 12 बिस्किट का टुकड़ा करके इन्हें हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी हम पीनट्स के साथ मिला देंगे। अब यहाँ पे हम काजू और बादाम के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इन टुकड़ों को भी हम इनके साथ मिला देंगे। तो चलिए अब चॉकलेट मेल्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक तपेली में पानी रख रही हूँ और इसे हम गर्म होने देंगे। पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है करीब 200 ग्राम। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो चलिए अब चॉकलेट को मेल्ट करते हैं। इसके लिए हम तपेली पे इस तरह से बाउल रखेंगे और इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम मेल्टेड चॉकलेट को अपने मिश्रण में डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉकलेट हमें जैसे जैसे चाहिए उतना ही डालना है।
तो हमारा पीनट मिक्स बनकर तैयार है। इसमें से हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो सारे लड्डू बन चुके हैं। इन्हें हम फ्रीजर में सेट होने के लिए करीब 1 से 2 मिनट रखेंगे। फ्रीजर में रखने के बाद ये सेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम चॉकलेट से कोट करेंगे। पहले हम इसे इस तरह से डिप करेंगे और 2 स्पून की मदद से इसे हम मेल्टेड चॉकलेट से कवर कर लेंगे। और बटर पेपर पर इस तरह से निकाल देंगे। बाकी की भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे और इन्हें हम फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारे चॉकलेट पीनट बॉल्स सेट हो चुके हैं और ये अभी खाने के लिए तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you so much for watching my video.